अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 3 के रो रही है। अस्सलाम वालेकुम, यासमीन नकवी है। आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ फॉर्चून एसटीएम स्कूल एंड कॉलेज। टुडे माय टॉपिक इज रिहैबिलिटेशन ऑफ बिल्डोज। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन नकवी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। I am faculty member of Ashun SCM School and College. Today my topic is rehabilitation of bulldozers and level lands. लेवन डी रेगुलेशन ऑफ द, इसका मतलब है कि जमीन की तनजुल यानी कि खराबी की तरफ जाना, जमीन की पैदावार या कमी में फादियत, उसकी जो उसकी ताकत होती है पैदावार की उसमें कमी या उसके मेयार में कमी। ये उस टाइम होता है जब आप सैलाब या उसमें 3 अवामिल शामिल होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, हेलो, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये आवाज बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है जी। ठीक है, इसमें 3 इसके इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जमीन डिग्रेशन होती है, जिसमें एक पहला होता है फिजिकल प्रोसेस एंड दूसरा होता है सेकंड है केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें आप स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं कि जमीन की ये शेप हो जाती है जो एक तरह से इसको हम कहते हैं कीप, इसकी बिल्कुल जमीन फटने लगती है और ये ज्यादातर सैलाब के बाद होता है। लैंड रेगुलेशन इंक्लूड land degradation currently from the 6 and 7 million hectares and the logic puri duniya mein takriban jo ye puri duniya mein iska humne takmeena lagaya hai salana 10 lakh hectare katao isse zameen mehroom ho jati hai, iska matlab hai 60 and 70 million hectares aur ye sabse zyada isme india mein aapke 5,334 million जी। इस वक्त एक छठा हिस्सा और दुनिया के एक चौथाई जमीन को मुतासिर नमकीन कहते हैं। इसमें नमकीन पानी ही ऊपर खड़ा होता है या सैलाब की वजह से पानी खड़ा हो जाता है और जब इसमें अंदर जमीन लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफॉर्मेशन के जरिए RSGIS और मॉडलिंग परमिशन में होना चाहिए। GIS मुकामी डेटा और या शुमारी डेटा इसकी जमीन की भी किसी भी साइट की कुदरती जमीन की डिजाइन और आरइश में माहौलती बहाल का अमल है जो इन जंगली हयातियात और पौधों की बरादरी से महफूज रखता है। इसमें हमें ज्यादातर करना पड़ेगा कि This
स्लाइड नंबर 5 और 6 जमीन के इनेकाद का तरीका मेथाडोलॉजी, यानी कि हम इसको दोबारा से जहरकाश दोबारा किस तरह जमीन को ताकतवर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जमीन को, अभी स्लाइड नजर नहीं आ रही, जी अब ठीक है, अब सही जी सर। ये पाई पार्ट चार्ट है 3D, ये लैंड रिस्टोरेशन पाई पर जाके तो हम वाज़े तौर पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये रेड एरिया जो है ये बिल्कुल ही आपका 100% डैमेज हो गया है, और जो ये लाइट डार्क ग्रीन जो है वो होने वाला है। इसमें आप देखें कि फार्मर ये कि आपको फार्मिंग सिर्फ 22% है पास फार्मिंग एरिया, और क्या कहते हैं यहाँ रेड एरिया आपका सेटलमेंट, आपका ये एरिया है 22 और 28 जो जेरे कास्ट है आपका वो 22 है, और 28 जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, और पर्पल एरिया 20% जो होने वाला है, और 35% देखिए आपको शो है ये वेस्ट लैंड, यानी कि इसको हमने बचाना है। इसको हम किस तरह बचाना चाहते हैं वो आप हमको बताते हैं कि इसको हमने किस तरह बचाना है। लैंड रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन का मतलब है कि हमने खराब खाद इसके अंदर नहीं करनी है, नहीं डालनी है, या आपने नामियाती पीट लैंड्स का खानी डाली है। इसमें यही है कि हमें अपने क्या कहते हैं जंगलात को नहीं, ये सबसे बड़ी है कि हमें जंगलात को नहीं काटना चाहिए, पौधों को भी नहीं है, बल्कि हमें उसे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे ताकि दोबारा जमीन को जेरे काश, ताकि उसकी मियार को या उसके स्टैंडर्ड को बहाल करना है कि ताकि वो ज्यादा ताकत पर बने। खराब खाद वगैरह नहीं डालनी है, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल कार्बन ड्यू टू इनऑर्गेनिक डिपॉजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन जमीन में, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जमीन के अंदर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन फटना शुरू हो जाती है, और ये ज्यादातर जो अमल देखा गया है रिएक्शन वो होता है सैलाब के बाद, या जमीन में ज्यादा अरसे तक पानी बारिश वगैरह का जमा रहे उसके बाद वो ड्राई होता है, तो उसके बाद ये जमीन इसमें फटना शुरू हो जाती है। पीटलैंड बहाली के नामियाती एरोबैग्स गलने की वजह से कार्बन बड़ी मकदार में जमा हो जाती है, नामियाती मादा एरोबैग्स सड़क या ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में गलना पीटलैंड की सैलाबी ज्यादा हालात की वजह से होता है। जब जरिए जमीनों में तब्दील हो जाती है तो मट्टी खुश्क हो जाती है, जिससे एरोबैग्स हालात खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी ऑक्सीजन दाखिल हो करती है, ये अमल एरोबैग सड़न ऑक्सीजन के साथ गलना की हिमायत करता है। नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और IPCC ने 2007 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम इसके अंदर रिएक्ट करती है। मेथड यूज इन द लैंड रिस्टोरेशन एंड द रिजेक्शन, इसमें फर्स्ट नंबर आपका है ऑन द कल्टीवेटेड लैंड एग्रो सिलेक्शन मेथड। These are
कार शुदा जमीन को जरूरी तरीके जमीन की जरखेजी को बहाल करने के लिए मश की जाती है। बारिशों पे मबनी हालात में रवायती निज़ाम झाड़ियों को गिराने के निज़ाम के जरिए खोई हुई जरखेजी को बहाल करना। निबातार बुनियादी तौर पर झाड़ियाँ कुदरती तौर पर इसमें इलाकों को आबाद करती हैं। झाड़ियाँ ऐसे ऐसे इलाकों को छोटी झाड़ियाँ लगाई जाती हैं जिसमें आपके हो गए बबूल ये छोटी छोटी झाड़ियाँ और सिंक पार इनमें जो फिजाई इनके एरिया होते हैं जिसको एयर एरिया कहते हैं जिसमें पत्ते इनकी टहनियाँ इनके लीव स्टेम वगैरह ये ज़्यादातर नमकियात को अपने अंदर जस्ट करने की सलाहियत इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके आगे है कि जमीन को रोकना उसके कटाव को रोकने के लिए है शेल्टर बेल्ट्स में यही होता है कि ये आपाश और बानी दोनों खेतों की हिफाजत के लिए होते हैं। जैसे हम जहाज वगैरह भी देखते हैं बेल्ट्स बांध लें और तरह के तो ये आपके जमीन के कटाव को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं। और उसमें ये होता है कि इनका सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हराजी और आपाशी की नहरों को रीती रेत से बचाता है क्योंकि छोटी छोटी झाड़ियाँ चारों तरफ लगाई जाती हैं जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इट इज रिड्यूस द बिकॉज इट इम्प्रूव द मेटेरियलिज्म इज द इंक्रीज द ये आपाशी और बाहरी दोनों खेतों की हिफाजत के इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के बुनियादी काम कीमती जरिए अराजी और आपाशी की नहरों को रिंगती रेत से बचाना है। शेल्टर बेल्ट हवा की रफ्तार को कम करते हैं। इसमें एक तो जो शेल्टर बेल्ट ये चारों तरफ खेतों के लगाते छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और वो ज्यादातर उन छोटे नन्हे पौधों की हिफाजत करते हैं और सीडलिंग की जो बीज बह ना जाए या जो कीमती जमीन वो जमीन रेत है वो जमीन है वो उसके जमीन ना बह जाए उसको उसको रखती है ये शेल्टर बेल्ट्स। और हवा का जो एक तेज हवा का जो एक बहाव होता है वो तेज हवा होती है उससे भी नन्हे पौधों को बचाता है। वो वहीं से क्रॉस होके रोक लेती है और जो नॉर्मल हवा है वो पौधों को खत्म या उनको डैमेज होने नहीं देती जिसमें आपके तूफान वगैरह हो गए और जैसे हवा वगैरह। और सबसे ज्यादा देखने में आया है कि ये आपको आपकी जब ये शेल्टर बेल्ट लग जाते हैं ये सबसे ज्यादा आपके पैदावार में इजाफा करते हैं। खुश्क इलाकों में फील्ड तहकीकात से पता चलिए पैदावार में तकरीबन ये 300% तक इजाफा करते हैं अगर आपकी शील्ड बेल्ट लगी हो शेल्टर बेल्ट लगी हो तो आपकी ये पैदावार में 300% क्योंकि एक तो मिट्टी को नहीं बहने देते और दूसरे आपके क्या कहते हैं जो बीज आपके बोए जाते हैं उनको नहीं जाने देते उधर से बहने देते हैं और फिर वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है और क्या कहते हैं आपकी पैदावार में 300% तक इजाफा होता है। सिविलाइजेशन ऑफ द कॉमन एक्सप्लोज द इंटीग्रेटेड लैंड प्लांटेशन एंड द एक्सप्लोज वेयर द स्टेबल शिफ्ट इन द सम ऑफ द दोस degraded land and the bring them back production. फसल की पैदावार में 300% तक इजाफा हो जाता है जबकि औसत सालों में इजाफा अक्सर 50-30% तक हुआ है। ज्यादातर
सीडिंग के आम के क्रॉप वगैरह जो करते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छी अच्छा रिजल्ट आया है। This is a plantation of the seriously degraded of the brandy crop that बहुत ही संजीदगी से तबाशुदा आकाशीय बरानी फसल वाली जमीन पर पौधे लगाना सबसे सबसे हमें पौधे लगा के इस जमीन को हम आबाद कर सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा जिस तरीके से शराब शुदा जमीनों में नमकियात का अमल आम होता है इसमें कुछ नताज शुदा जमीनों में यूकलिप्स के पौधे लगाए गए हैं ताकि इन्हें दोबारा पैदावार में लाया जा सके। मसलन इसमें होते हैं यूकलिप्स पौधे वो होते हैं जिसमें कारामद वो दरख्त बनना चाहिए जो जिसको हम लकड़ी को यूटिलाइज किया जाए जिसमें सनतों में वो इस्तेमाल हो और वो सनत इस्तेमाल में लेके आया जाए सनत के लिए ऐसी जगहों पे यूकलिप्स पौधे माइक्रो और थेपिया के पौधे लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी में सके और नमकियात में वाजे कमी आ सके। खाली जमीन पर रेत और रेत के टीले का टाइम when the region that is reaches on the actual level जब कटाव शदीद सतह तक पहुंच जाता है और हरकत करना शुरू कर दी और रिहायश गाँव इदारों सड़कों जरिए जमीन को खतरा लाहक होता है वहां रेत के टीलों को ठीक किया जाता है यानी कि रेत एक जगह से दूसरी जगह या जमीन जो है आपकी मिट्टी वो एक जगह से दूसरी जगह ना हो और मिट्टी के मिट्टी से हम नुकसान ना हो मिट्टी का हमें नुकसान ना हो ये ज्यादातर साहली इलाकों में पाया जाता है। हमें इसमें वही रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो खुश घास की झाड़ियाँ लगाई जाती हैं और नॉर्मली इसमें या तो डंडों की बारों का क्याम किया जाता है ताकि रेत की नकलो हरकत को आर्जी तौर पर रोक सकते हैं और जबकि टीलों पर दरख्त और झाड़ियाँ घास लगाए जाते हैं। युग इसमें जो पौधे होते हैं वो आपके कारामद होते हैं यूकलिप्टस पाइनस और बबूल इस्तेमाल किए जाते हैं यूकलिप्टस पाइन्स और बबूल के पौधे। एक्टिव इंटरवेंशन मेथड नंबर फर्स्ट है कि फॉल में दाखिल होते हैं ये नताशुदा जमीन को बहाल करने के लिए इंसान के इकदाम जरूरी जब तक इंसान इसमें सीरियस तरीके से नहीं अपनी अपना किरदार अदा करेगा तो ये नहीं हो सकता। बहुत ही हमें इसमें सीरियस तरीके से सबको सोचना चाहिए कि जमीन को बहाल किस तरह किया जाए। नंबर दो पौधों की मस्तूई हवा के जरिए और रेत और रेत की चीजों का टाइम बशमूल दरख झाड़ी और घास की पैदावार इसमें हमने दरख की चीजों को रोकने के लिए या हवा जमीन के नकात को रोकने के लिए हमने जो कटाव है उसमें सबसे पहले हमने दरख्त लगाने हैं झाड़ियाँ लगानी हैं और जो उसमें घास वो जंगली घास लगाने से भी आपकी जमीन का कटाव रुक जाता है। नंबर तीन सैलाब और बरानी जैसे जमीन पर शेल्टर डर्स का क्या और रिहायश गाँव इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़ के लिए इसमें वही है शेल्टर बेड्स का अगर शेल्टर बेड्स कहीं पर भी हम नहीं लगाएंगे तो जमीन यकीनी तौर पे आपकी कटाव का शिकार हो जाएगी और जो अक्सर देखते हैं वो लैंड स्लाइडिंग हो सकती है अगर हम पहाड़ी इलाकों में हैं। इसमें जरूर हमने शेल्टर बेड्स का ख्याल शेल्टर बेड्स हमारी कटाव जमीन की कटाव रीढ़ की है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है क्योंकि पौधे नहीं लगेंगे और शेल्टर बेड्स में वो
चार अपने फसल के चारों, आपने देखा होगा बच्चों, चारों तरफ आपने ना पौधे लगाए, थोड़े छोटे 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 झाड़ियां या पौधे कोई से भी ना किसानों ने लगाए हुए होते हैं, वो यही होता है कि इससे हवाओं आपका नॉर्मल होता है, हवा का दबाव और छोटे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। और सबसे बड़ी बात है कि पानी, जमीन जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। नंबर तीन, नंबर चार, नेक्स्ट पॉइंट है खस्ता हाल जमीन पर बहाव के कारण खुशीसल आबाशी पर नाशुदा जमीन नमकीन और आबी जखायर पर बहुत बड़ी सलाहियत की पेश पेश करते हैं। कुछ जमीनों में लकड़ी पर मबनी सड़कों की पैदावार पैदावार की जाती है। इसमें भी दोबारा वही आया कि ऐसे ऐसे पौधे लगाए गए जो पे जो वहाँ पे हमें लकड़ी भी हमें ना कारामद हो, और वो जो लकड़ी के पौधे या दरख्त होते हैं वो नमकियात ज्यादा जस्ट करते हैं, कारामद लकड़ी। नंबर फाइव है इनकार शुदा जमीनों की सरफेजी को बहाल करने के लिए कीमती दरख्तों और झाड़ियों और घास के बगात का क्याम, जहाँ मिट्टी की खाद के जरिए काश की जाती है। मिट्टी को बहाल करने के लिए बबूल, फलदार, फलीदार झाड़ीदार पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की खाद, मिट्टी की खाद हमने पिछले सीजन में हमने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मिट्टी की खाद हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह बनती है। पानी के बहाव को कंट्रोल करने और कटाव पर काबू पाने के लिए कैलिमेंडल एरियाज और मुस्तकिल और सोयल वाटर कोर्स के जरिए बीज और पौधे लगाए जाते हैं। यूज द ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक, नियाती काश्तकार को टेक्निक का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक दैट हेल्प द रिस्टोर द सॉइल इंक्लूड यूज ऑफ द ग्रीन मैनर्स ऑफ द लेफ्ट ऑन द टॉपिकल कवर क्रॉप क्रॉप रोटेशन एंड द ऑर्गेनिक क्रॉप। नामियती काश्तकार की टेक्निक का इस्तेमाल, नामियती काश्तकार की टेक्निक जो मिट्टी की बाहर मिट्टी को बहाल करने में मदद करती है, इनमें सब खाद का इस्तेमाल शामिल है। उखड़ी हुई या टूटी हुई फसल के हिस्से शामिल है या ऊपर ऊपर की मिट्टी पर छोड़े गए हैं फसलों का हाथा की गर्दिश और नामियाती खाद है। सोडिक मिट्टियों में जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का इतलाक होता है। सोडिक मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड की मिकदार ज्यादा होती है। सोडिक मिट्टियों की तरह मिला हुआ जिप्सम सोडियम कैल्शियम से बदल देते हैं, सोडियम की सतह को कम करता है। यानी कि सोडिक मिट्टी जो इसमें सोडियम नमकियात ऊपर आपने कब देखा होगा जहाँ ज्यादा मिट्टी होती है, जब वो ड्राई होती है तो उसके बाद थोड़ा सा लेयर एक हल्की सी व्हाइट कलर की, इसको हम सोडियम कहते हैं, नमक की हो जाती है और वो जमीन काबले काश्त नहीं होती। तो इसमें जिप्सम जो सोडियम जमीन के कैल्शियम से बदल देता है और सोडियम की सतह को कम करता है। आखिर में होगा नमक को बर्दाश्त करने वाले पौधे बालूफाइट का बालू के तौर पर वायु के तौर पर इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करते हैं ताकि ताकि इसका तदारक कर सकें। बायोफाइट अपनी टहनियों और पौधों के दीगर फजाई हिस्सों में नमकियात जमा करते हैं। बायोफाइट के ऐसे जो कोशिश लगाई जाती हैं जो नमकियात को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर बायोफाइट अपनी टहनियों के पौधों के दीगर फजाई हिस्सों को नमकियात में जमा करते हैं। इसमें है आयोडीन स्पीशीज, सेलेकोर्निया, स्विच ग्रेस एंड सी प्रोचेस, सी प्रोचेस है। ये जमीन की नमकिया, ये पौधे ऐसे हैं जो नमकियात अपने अंदर जस्ट करने की 100% लायक ज्यादा रखते हैं। द
These are the right ways to the rehabilitation of the builder below the level. And सबसे यार के इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, हमने rehabilitation और rehabilitation जो हमारी है उसमें सबसे ज्यादा जो मैन किधर है वो हमने सिर्फ पौधे लगाने हैं और इसमें पौधे की इम्पोर्टेंस बताई गई है. सबसे ज्यादा हमने पौधे लगाएंगे तो अपनी जमीन को हम आने वाले वक्तों के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़ी नॉलेजेबल थी. इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो सामने आए कि एक तो ये पहली बात है कि हमें एज ए गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ज़मीनों का, कि जो हमारा सारा फूड प्रोड्यूस होता है वो ज़मीनों से ही प्रोड्यूस होता है. और आजकल जो हेल्थ के और फूड के इश्यूज हैं वो तो अगर हम ज़मीनों की देखभाल करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, और जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में मैडम यास्मीन ने बड़ी डिटेल से डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस किया है इस मुतलिक, तो अच्छी बातें बताई हैं जिसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि ज़मीन जो तो डिग्रेड होती है वो क्यों हो रही है, और साथ साथ कि उसको खुद बखुद भी कुछ छोटे छोटे इकदाम करने से भी, जैसे जो डिफरेंट पौधे हैं, बबूल का पौधा है जो कि बड़ा आम सा सहराई पौधा है जिसमें कांटे होते हैं वो लगाया जाए, या वो खुद से भी उग जाते हैं, फिर अब बीज फेंकेंगे तो तब उससे भी उग जाएंगे, उससे ज़मीन की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी और वो ज़रखेज़ हो जाएगी, और ज़रखेज़ होने की वजह से उसमें जो खुराक उगाई जा सकेगी, गंदम या आप मकई है या फलदार दरख्त, तो उससे हम खुराक हासिल कर सकते हैं, और दरख्तों से साथ ही हमें ऑक्सीजन भी मिलती है जो कि लाइफ और हेल्थ दोनों को मेंटेन करने में उसका बहुत ही अहम किरदार है. और ये इसमें हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि जो शहरों के अंदर ज़मीनों को ज़ाया किया जाता है, बड़े बड़े कई बार रोड्स बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं तो उसमें काफ़ी सारी लैंड भी ज़ाया हो जाती है जहाँ पे कोई पैदावार होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती, और कई दफ़ा वो उसकी वजह से वो उसका ज़मीन का स्ट्रक्चर भी ख़राब कर देते हैं, ज़मीन की जो शक्ल होती है या साख्त होती है वो ख़त्म हो जाती है और पानी इधर उधर बह जाता है, जाए पानी इकट्ठा होने के, बारिश का पानी जैसे आता है वो इकट्ठा नहीं हो पाता और वो ज़ाया हो जाता है. तो और इसके अलावा और जो दूसरे मेथड्स भी बताए हैं, जैसे कि उसमें कुछ अगर सोडियम ज़मीन में ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से उसकी जरखेजी नहीं रहती, तो उस ऐसे केस में फिर हम जिप्सम इस्तेमाल करते हैं या और दूसरे केमिकल ताकि उसको जो हालत है उसको बेहतर बनाया जा सके और जरखेज बना सके हम. तो ये डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार हैं जो कि अपनाए जाते हैं जब हम ज़मीन की हालत को बेहतर करना चाहते हैं. तो सबसे आसान तरीका जो आजकल जैसे अभी मानसून है, बारिश हो रही है, तो उस दौरान हम मल्चिंग कर सकते हैं ज़मीन की, ज़मीन के ऊपर अब घास, पुरानी घास, खुश टहनियाँ और इस तरह जो पत्ते हैं वो अब वो सब फेंक सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ वो ज़मीन क्या मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं और मिट्टी जरखेज हो जाती है, जैसे कि उसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद भी कहते हैं, कुदरती खाद बन जाती है जिससे ज़मीन की जरखेजी बढ़ती है और उस पर खुराक चला उगाई जा सकती है और पौधे और दरख्त आराम से उगाए जा सकते हैं. तो आजकल के मौसम में ख़ासतौर पर बच्चों के लिए ये रिकमेंडेड है कि मल्चिंग जो है उसको हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल इस तरह का जो बायो मटीरियल है, घास, टहनियाँ और पत्ते, इनको हम ज़मीन पर फैला दें और पानी के साथ भी ज़मीन की तरखेजी को बढ़ा देगा. तो अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है इसका लेक्चर का, तो बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का भी और मैडम का भी कि एक हमारी बड़ी अच्छी टॉक जो है वो आज की कंप्लीट हुई. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम थर्सडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.